आज लगेगा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण, रात 1:05 से शुरू होकर रात 2:24 पर होगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू होते ही बंद किए गए बद्रीनाथ धाम के कपाट, कल सुबह शुद्धिकरण के बाद खोला जाएगा बद्रीनाथ धाम। आज लगेगा साल का दूसरा चंद्र ग्रहण, सूतक लगने के बाद बंद किए गए यमुनोत्री मंदिर के कपाट। चंद्र ग्रहण के सूतक काल में बंद किए गए तिरुपति मंदिर के द्वार, मंदिर के पुजारी समेत कई भक्तगण रहे मौजूद। यूपी के प्रयागराज के बड़ा हनुमान मंदिर और लेटे हनुमान मंदिर के कपाटों को भी किया गया बंद, ग्रहण के बाद शुद्ध करके खोला जाएगा मंदिर। लखनऊ में भी मंदिरों के कपाटों को किया गया बंद, चंद्र ग्रहण हटते ही पूजा पाठ के बाद खुलेंगे कपाट। सूतक काल से पहले हरिद्वार में की गई गंगा आरती, ग्रहण के 9 घंटे पूर्व ही सूतक काल लग जाता है जिसमें धार्मिक कर्मकांड पूरी तरह से बढ़ जाता है। भारत और यूरोपीय संघ ने खाड़ी में किया संयुक्त नौसेना अभ्यास, 24 से 26 अक्टूबर के बीच INS सुमेधा ने दिखाई ताकत। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा मुसलमानों का सिर्फ वोट बैंक की तरह किया जाता है इस्तेमाल, समय आने पर नहीं मिलते अधिकार। पीएम मोदी ने 51,000 युवाओं को दिया नियुक्ति पत्र, देशभर में 37 जगहों पर रोजगार मेले का किया गया आयोजन। नियुक्ति पत्र बांटने के बाद पीएम मोदी बोले, देश को युवा शक्ति पर भरोसा, युवाओं को ध्यान में रखकर ही सरकार ले रही है फैसले। पंजाब के मोहाली में बब्बर खालसा के 4 आतंकी गिरफ्तार, टारगेट किलिंग की फिराक में थे आतंकी, पिस्टल और कारतूस बरामद। पंजाब के तरन तारण में पाकिस्तानी ड्रोन से सनसनी, ड्रोन से एक बैटरी और 400 ग्राम हेरोइन बरामद। गुजरात के सूरत में एक ही परिवार के 7 लोगों ने की सामूहिक सुसाइड, मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल। बिहार के दरभंगा में दिल्ली पुलिस की रेड, फर्जी पासपोर्ट मामले के मास्टरमाइंड इनामुल हक के घर और साइबर कैफे पर की छापेमारी। रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी को जान से मारने की मिली धमकी, मेल करके 20 करोड़ रुपए की भी मांग, अज्ञात शख्स के खिलाफ FIR। प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ की हुई शुरुआत, पर्यावरण मंत्री ने लोगों को किया जागरूक। MP के पीथमपुर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, छापेमारी कर पुलिस ने 5 लड़कियों समेत 10 लोगों को पकड़ा। मिशन MP पर अमित शाह, 3 दिन तक चुनावी तैयारियों को देंगे धार, जबलपुर में शहीद शंकर शाह और रघुनाथ शाह को दी श्रद्धांजलि। MP के जबलपुर में अमित शाह ने उम्मीदवारों को दिया जीत का मंत्र, टिकट न मिलने से नाराज नेताओं से भी की मुलाकात। MP के छिंदवाड़ा पहुंचे अमित शाह का राहुल प्रियंका पर जोरदार प्रहार, बोले जिनके मूल इटली में लगे हैं उन्हें विकास समझ में नहीं आएगा। छत्तीसगढ़ के कांकेर में गर्जे राहुल गांधी, बीजेपी को बताया गरीब विरोधी, सत्ता में दोबारा आने पर जातीय जनगणना कराने का भी वादा किया। राहुल गांधी ने फिर अदाणी को पीएम मोदी से जोड़ा, कहा हम किसानों को फायदा पहुंचा रहे हैं और केंद्र सरकार अदाणी को। MP के दमोह में प्रियंका गांधी ने जातीय जनगणना का मुद्दा उछाला, कहा आबादी के हिसाब से बड़े पदों पर नहीं मिलती है हिस्सेदारी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट TV पर। ABP News आपको रखे आगे।